बहुत ही अच्छा लग रहा है। दुर्गा माता मंदिर के ट्रस्ट की तरफ से ये आयोजन किया गया है कलश यात्रा और प्राण प्रतिष्ठा का, और हमारी जो नगर सेविका है गीता यादव जी, उनके सौजन्य से ये हो रहा है, उनके निरीक्षण में हो रहा है। मैं सभी को धन्यवाद करना चाहूँगी, और स्पेशली यहाँ पर जो भी है अध्यक्ष सेक्रेटरी गुलाब यादव जी, खजिनदार देवानंद गिरी जी, और अध्यक्ष जो है सुभाष आर यादव जी, मैं उन सबको स्पेशल थैंक्स कहना चाहूँगी कि उन्होंने जो इस योग्य समझा और कलश यात्रा में शामिल किया। मैं दुर्गा माता की भक्त हूँ और यही चाहूँगी कि इसी तरह से इस फंक्शन में जिस तरह से मुझे बुलाया गया आ जाए, और बड़ा सम्मानित फील कर रही हूँ। जैसे कि आपको बड़ा बिजी शेड्यूल है और आज आपकी फिल्म की शूटिंग है, लेकिन शूटिंग को थोड़ा सा पीछे करते हुए आप यहाँ पे शामिल हुई, क्या कहना चाहिए? जी, जब मुझे पता चला कि 8 अप्रैल को ये फंक्शन होने जा रहा है, तो मेरी शूटिंग जहाँ पर चल रही थी उनसे रिक्वेस्ट करके मैंने उनसे ये कहा कि दुर्गा माता का बुलावा आया है, तो एक दिन के लिए हम लोग थोड़ा सा विलम्ब करके, तो आज मैं आउट ऑफ टाउन जा रही हूँ शूटिंग के लिए, और दुर्गा माता के आशीर्वाद से लोगों का बड़ा प्यार मिला है। मेरी फिल्म अभी जो हाल ही में रिलीज़ हुई है काफ़ी सक्सेसफुल रही है बॉक्स ऑफिस पर। यही चाहूँगी कि हर बार सबका प्यार मिलता रहे और आशीर्वाद मिलता रहे। मैम, आपकी जो फिल्म आज शूटिंग करने जा रहे हैं उसके लिए क्या कहना चाहिए, कौन सी फिल्म है, क्या कहना चाहेंगे? ये फिल्म का नाम तो अभी नहीं लिया जा सकता है क्योंकि नाम नहीं अनाउंस किया है। इसमें मैं गेस्ट अपीयरेंस में एक रोल कर रही हूँ और बहुत ही सुंदर फिल्म है, उसमें मैं एक्ट्रेस पाखी हेगड़े का ही किरदार निभा रही हूँ, और काफ़ी इंटरेस्टिंग गाना एक शूट कर रहे हैं हम लोग, जो अभी हाल ही में पवन जी का गाना हुआ है हिट भोजपुरिया राजा में, उसी ट्यून पर ये गाना है, तो मुझे ये बहुत कॉन्फिडेंस है कि सब लोगों को बहुत ही पसंद आएगा ये गाना, बहुत मज़ेदार गाना है। और आपके चाहने वाले जो दर्शक हैं क्या कहना, उनसे क्या कहना चाहिए? उनसे यही कहूँगी जिस तरह से प्यार करते आ रहे हो, प्यार करते रहिए, आशीर्वाद देते रहिए, मैं आपका मनोरंजन करती रहूँगी, और दुर्गा माता की कृपा है हम सब पर, इसी तरह से कृपा बनी रहे। और बहुत अच्छा लगता है कि महाराष्ट्र में भी इतने सारे भोजपुरी निवासी हैं और सब लोग मिलजुल कर यहाँ पर रह रहे हैं, एक ही बनाकर रखे हुए हैं, इसी तरह से प्यार सबके बीच में बनता रहे और माता का आशीर्वाद सब पर बरसता रहे, यही प्रार्थना।